दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर के इस वीडियो में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि हर भाई बहन यह वीडियो पूरा ही देख करके जाएंगे बिना काटे हुए, क्योंकि यह वीडियो ही इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है जो सरकारी आदेश में दिखाने जा रहा हूं। यह आंगनबाड़ी बहनों आपकी नियमावलियां हैं, यानी नियमावली में क्या क्या लिखा है आपके लिए, चाहे वो आपका मानदेय के आधार पर आपकी नौकरी लगती है, उन सब के बारे में जो जो जिक्र है वो सब लिखा है, लगा करके रिटायरमेंट तक की यहां पर सब लिखा है कि कैसे और कब क्या सब कुछ होगा, मानदेय मिलेगा क्या मिलेगा, सब कुछ इसके बारे में। तो पूरा वीडियो देखिए, ये नई नियमावली है, पुरानी जो गलत थी उनको हटा करके नई 2013 में बनाई गई थी, यही नियमावली जो है अभी भी लागू होनी चाहिए। लेकिन तानाशाही सरकार जो है यहां पर जबरन आंगनबाड़ी बहनों को पहले ही रिटायर कर रही है बिना पेंशन के। आइए देखते हैं 2013 की नियमावली में आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों के लिए क्या-क्या प्रावधान किया गया था, कैसे नौकरी लगेगी, कौन लगाएगा, क्या-क्या होगा, सब कुछ एक्स वाई जेड। तो पूरा वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखना मिस मत करना। अब उम्मीद करते हैं आप लोग इसको शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और चैनल से जो नहीं जुड़े हैं भाई बहन वो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल दबा लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। मैं रोज कहता हूं चैनल से जुड़ जाइए ताकि सच्ची खबरें आप तक पहुंचती रहे। ये देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से यह लेटर जारी था नवंबर 2013 में 7 वगैरह, और आप लोगों को बता दें, ये देख लीजिए इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले आपको बता दें यहां पर लिखा है कि जो आपका जो एसोसिएशन वगैरह है, प्रोजेक्ट ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 7/1/2013 को एक पारित आदेश के समादर में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार आंगनबाड़ी सहायिका और मिनी इन बहनों के मानदेय आधारित जो सेवा है उनके चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा एक निम्नलिखित जो है यह नियमावली बनाई गई है। अब देखते हैं 2013 में आंगनबाड़ी बहनों आपके चयन को लेकर के क्या नियमावली बनी और इस नियमावली में क्या-क्या प्रावधान आपके लिए है। तो सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए लिखा भी है, उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी इन बहनों के लिए मानदेय आधारित सेवा हेतु चयन नियमावली 2013। यह आदेश आप लोग जितना हो सके शेयर करिए, बहनों तक सच्चाई जानी चाहिए, और यही आदेश लागू होगा तो हमारी बहुत सी आंगनबाड़ी जो आज रिटायर हो रही है हजारों की संख्या में, जो बेचारी लॉकडाउन में नौकरी वगैरह जिनकी जबरन जो है छुड़वाई जा रही, तो ऐसे उन सबको शायद 3 साल और नौकरी करने का मौका मिल जाए अगर ये 2013 वाला लेटर के आधार पर हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि यहां पर अभी 65 में रिटायर का जिक्र है, अभी सब बताएंगे आप लोगों को, बस इंतजार करिए। अब इसमें लिखा है, जैसे भाग एक सामान्य में क्या लिखा है, यहां पर लिखा है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। जैसे यह नियमावली उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी सहायिका की मानदेय आधारित सेवा हेतु जो है चयन नियमावली 2013 कही जाएगी, साथ ही जो यह तुरंत जो है प्रवत्र वगैरह भी होगी, साथ ही पद की परिस्थिति क्या है, इसमें मानदेय पर जो है आंगनबाड़ी सहायिका मिनी बहने जो है अपना जो है पद वगैरह पर नौकरी करेंगी। साथ ही यह भी लिखा है परिभाषा में, जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात ना हो इस नियमावली में, जैसे कि आपको बता दें लिखा है नियुक्त प्राधिकारी का तात्पर्य जिला कार्यक्रम अधिकारी से है, मूल रूप से निवासी का तात्पर्य संबंधित राजस्व ग्राम मजरे अथवा वार्ड के मूल निवासी से है। तो यहां पर यदि आप नौकरी करना चाहते हो तो आप लोगों को इन पॉइंटों को ध्यान में रखना होगा, यानी आप उसी जो है राजस्व ग्राम अथवा मजरे अथवा वार्ड वगैरह से होंगे, मूल निवासी का मतलब ये होता है। साथ ही बता दें संविधान का तात्पर्य से है कि भारत के संविधान में जो लिखा हुआ है। आगे बता दें सरकार का तात्पर्य क्या है, सरकार का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का इस लेटर के अनुसार तात्पर्य है। साथ ही राज्यपाल का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से। साथ ही सेवा का सदस्य का तात्पर्य है कि समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत मानदेय पर जो है आधारित जो है आंगनबाड़ी सहायिका मिनी इनकी सहायिकाओं के जो है पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारंभ होने के पूर्व प्रवत्त नियमों का आदेशों के अधीन चयनित जो है व्यक्ति से है। साथ ही बता दें सेवा का तात्पर्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और मिनी इन सबके जो है यहां पर उनके पद पर मानदेय आधारित सेवा से है। तो आप लोगों को बता दें सेवा का मतलब है कि आपको यहां पर मानदेय के आधार पर आप लोगों की जो नौकरी लगी उसको बोला जाएगा पूरा सेवा काल। तो आगे आप लोगों को ले चलते कुछ और जानकारियां हैं, जैसे अभी जो भाग दो दिखाएंगे इसमें भी बहुत कुछ है। अभी ये ऊपर वाला देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जो है चयन का तात्पर्य है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के पद जो है ऐसे चयन से है जो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक वगैरह लिखा है अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार किया गया हो, ऐसा लिखा है। साथ ही लिखा है चयन का वर्ष
का जो है तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारंभ होने वाली 12 जो है यहां पर मास की अवधि से है। तो यहां पर चयन का वर्ष का मतलब है जुलाई से सब कुछ काउंट होगा। अब आगे आपको बता दें, देख लीजिए, मानदेय पर आधारित सेवा की सदस्य संख्या, उसमें प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी सहायिका के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो है अवधारित वगैरह की जाएगी। यह सेवाएं सरकारी सेवाओं की श्रेणी में नहीं मानी जाएंगी। साफ शब्दों में 2013 में भी जिक्र है कि जो आप लोगों की सेवाएं हैं ये सरकारी श्रेणी में नहीं मानी जाएंगी, लिखा है यह सेवाएं सरकारी सेवाओं की श्रेणी में नहीं मानी जाएंगी और उन्हें जो है सरकारी कर्मिकों की भांति अनुमन्य सुविधाएं दे भी नहीं होंगी। यहां पर इस लेटर में 2013 में जिक्र था, क्योंकि हम सब समाज सेवी हैं और समाज सेवी लोगों पर राज्य कर्मचारी वाले जो भी जो सुविधाएं होती है ना वो लागू नहीं होती हैं, और इसी के चलते हवाला देकर के कई बार हम लोगों की आवाज जो नीचे दो फिर से वापस भेज दी गई, जब जब आवाज उठी है, चाहे सदनों में उठी हो चाहे जहां उठी हो। अब आगे आपको बता दें तो ना ही हम लोगों को यहां पर वेतन की सुविधा को लेकर के कुछ लिखा है, मानदेय के आधार पर हम लोगों की नियुक्ति हुई है, साफ शब्दों में कहें, और सेवाएं जो है हमारी हम लोगों की वो सरकारी है नहीं, ये भी आप लोगों को बता दें। ना ही सरकारी कर्मचारी की भांति हम लोगों को कोई सुविधा आगे दी जाएगी। अब आगे देखिए भाग दो में चयन में क्या लिखा है, लिखा है कि यहां पर स्रोत वगैरह कुछ लिखा है, चयन ऐसे कुछ लिखा है, चयन का स्रोत लिखा है, साफ नहीं दिख रहा है, पुराना लेटर है 2013 का, ये मान के चलो कम से कम आ ही गया, बहुत बड़ी बात है। मानदेय आधारित सेवा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिका, इनके पदों पर चयन जो है सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। तो इन सारे पदों को, आंगनबाड़ी मिनी का, कार्यकर्ती का और सहायिका का, ये पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। सीधी भर्ती का मतलब वैकेंसी निकाल करके भरे जाएंगे। अब आगे आपको बता दें इसमें अर्हताएं क्या है, क्या क्या जो है यहां पर लिखा हुआ है अर्हताओं में, तो इन्हें देखिए, ये बहुत ही आप लोगों के बहनों काम का नजर आ रहा है। इसमें लिखा है सामान्य अर्हताएं क्या है, भारत का नागरिक हो, वो तो हर कोई है तभी यहां नौकरी करेगा, विदेश से आकर के थोड़ी कोई नौकरी करेगा। या फिर लिखा है कि आपका तिब्बती जो है शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, और यहां पर कुछ लिखा है 1900 शायद ऐसे कुछ लिखा है, उसके पूर्व भारत आया हो, 1900 शायद जो आपका होगा जहां तक होगा 54 होगा या इससे कुछ ऊपर का होगा, जो भी हो फिलहाल के लिए, या 1947 के बाद का होगा या 50 के बाद का होगा। आगे चलते हैं, आपको दिखा दें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी सहायिका जो है पद भरने पर जो है महिलाओं की ही जो है आवेदन कर सकेंगी, ये भी है कि कोई पुरुष आवेदन नहीं करेगा आंगनबाड़ी की नौकरी वगैरह इन सब सहायिका मिनी के पदों के लिए, सिर्फ आंगनबाड़ी भरी जाएंगी। साथ ही देखिए आयु वगैरह को लेकर के यहां पर कॉलम डैश डैश लिखा है, सब छूटा है, यानी आयु का जो निर्धारण है वो हो सकता है समय समय पर चेंज हो जाए। आगे देखिए अभ्यर्थी वगैरह की भर्ती के वर्ष के जिसमें रिक्तियां विज्ञप्ति की जाए और प्रथम दिवस को जो है इस कोष वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और जो है यहां पर लिखा है 45 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना हो, तो यहां पर आपको बता दें 45 साल से अधिक की उम्र ना हो तो शायद यहाँ पर प्रमोशन के बारे में जिक्र है आप लोगों का, अभ्यर्थी की भर्ती के वर्ष किसके जो है जिसमें रिक्तियां विज्ञप्ति ना हो, नहीं यहाँ पर भर्तियों को लेकर के कह रहे हैं कि याति 45 साल से ऊपर का ना हो, अधिकतम आयु ये बताई जा रही है। तो फिलहाल के लिए आगे इसमें लिखा है आयु के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की जो है कार्यकर्तियों के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र एवं सहायिकाओं के लिए कक्षा 5 की TC प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होगा, ऐसा यहाँ पर यह कहा जा रहा है। साथ ही आपको बता, अभी समय समय पर जैसा जैसे बेरोजगारी बढ़ रही तो हो सकता है शैक्षिक योग्यता जो है थोड़ी बहुत बढ़ाए भी जाए, लेकिन बढ़ेगी भी तब भी आपका इंटर रहेगी आंगनबाड़ी बहनों के लिए, और वैसे तो हाई स्कूल है। आगे आपको बता दें, जैसा कि देख सकते हो इसमें यह भी लिखा है 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी और सहायिका की मानदेय सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, मतलब 65 साल में समाप्त होंगी ना कि 62 साल में। तो अभी जब 13 में आदेश नया निकला है तो नया आदेश लागू होना चाहिए, लेकिन नहीं, लॉकडाउन भी है, लोगों की रोजी रोटी बंद है और उत्तर प्रदेश सरकार में निदेशालय से 62 वर्ष में ही आंगनबाड़ी को निकाल के धक्के मारकर फेंक रहे हैं, क्योंकि यहां पर धक्के मारना ही कहा जाएगा, ना तो इनको जो यहां पर पेंशन की सुविधा मिली है ना ही कुछ, पूरी जिंदगी तो इन्होंने मेहनत ही की है। हर विभागों के कर्मचारियों को जो पुराने वाले हैं उनको जो बहुत पहले से लगे थे पेंशन आज भी मिलती है, तो ऐसे में आंगनबाड़ी को भी मिलनी चाहिए थी, ये महिलाएं हैं तमाम, इन्होंने योगदान दिया है, लेकिन ये सबको साइड में रखकर योगी आदित्यनाथ सरकार जो है जरा सा भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही और अपने वादों को ही जो
बोलने के बाद वो अभी तक पूरा नहीं कर पाए तो हम लोग इनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, आपको बता दें विधवा महिलाओं को जो है यहाँ पर लिखा है पति की अथवा मृत्यु का प्रमाण पत्र वगैरह ये सब जो है परिव्यवस्था और तलाकशुदा जो है महिला की सक्षम न्यायालय का आदेश हो अथवा विधि मान्य आदेश हो अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। जो भी तलाकशुदा है जो भी विधवा है इन लोगों को वरीयता मिलती है, सबसे ज्यादा विधवा को मिलती है, फिर तलाकशुदा को भी मिलती है, तो ऐसे में इन लोगों का चयन पहले होता है, इन लोगों को जो है यहाँ पर छूट मिलती है। अब आगे बता दें अगला यहाँ पर मैं देख सकते हो शैक्षिक वगैरह अर्हताएं क्या रहेंगी, तो लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष जो है मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करना होना जरूरी है। साथ ही बता दें आंगनबाड़ी सहायिका के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण होना जो है जरूरी है यानी आवश्यक है। तो ऐसे में देख सकते हो ये आदेश थे जो 2013 में आप लोगों के लिए निकाले गए आपकी चयन को लेकर कि कैसे आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों का चयन होगा, क्या क्या अर्हताएं रहेंगी और यहां पर कैसे रिटायरमेंट भी फिक्स किया गया था 65 साल का, लेकिन उस 65 साल को लागू ना करके पुराने लेटर जो विवादित था उसको फिर लागू हो रहा है। प्रमोशन में भी आप देख रहे हो प्रमोशन में भी कुछ ऐसी चीजें जो नई यहां पर फिर उसमें लगा रहे हैं, जैसे अंक देने को लेकर के कह रहे हैं कि जो आंगनबाड़ी को जो काम अच्छा करें उनको इंसेंटिव के आधार पर यानी उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको अंक मिलेगा प्रमोशन के लिए। अब ऐसे में क्या होगा यदि अधिकारी अंक देगा, छोटे छोटे अधिकारी तय करेंगे तो फिर ऐसे में धांधली बढ़ जाएगी ना, अधिकारी अंक देंगे आंगनबाड़ी के परफॉर्मेंस को देख करके तो बहुत से अधिकारी जो पैसे लेंगे वो कहेंगे हम आपका अच्छा दिखा देंगे मुझको पैसे दीजिए, ऐसे मांग वगैरह होना लाजमी है और ये गलत है क्योंकि परफॉर्मेंस को साइड में रखिए क्योंकि परफॉर्मेंस सरकार चेक ही नहीं कर पाएगी। आंगनबाड़ी को कहीं कहीं फोन मिला कहीं कहीं मिला ही नहीं, कैसे क्या क्या कर पाएंगे। तो ऐसे में जो पुराने आदेश थे जो यानी कि कुछ नई प्रक्रियाएं थी जैसे हमेशा होता था प्रमोशन वैसे ही कराया जाना चाहिए था अंकों के आधार पर मेरिट के आधार पर तो वो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन यहां पर अंक अलग से दे दो परफॉर्मेंस के आधार पर यह सब कुछ गलत है। तो अभी हम फिलहाल के लिए आप लोगों को क्या कैसा लगा यह वीडियो, पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर भी जरूर करना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक तो यार हर वीडियो को कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। मैं दिखा हूं तो ये आप लोगों के बहुत काम का है, बहुत मुश्किल से बहनें हमें भेजती हैं। ये जो लेटर मेरे पास आया था हमारे पास एक बहन ने भेजा था और मैंने परसों के वीडियो में नहीं कल के वीडियो में दिखा भी दिया था कि हम आप लोगों के लिए जल्द लेकर के आएंगे, सुबह तो मैं नहीं ला पाया लेकिन अभी मैंने सोचा दोपहर को आप लोगों को दे दूं स्पेशल यही वीडियो 2013 की नियमावली का, ये बहुत ही ज्यादा खास है। लोग आप बाग इसको आप सब शेयर करिए, बहुत मुझे उम्मीद रहे आप लोगों से कि आज का वीडियो शेयर करोगे तो और भी हमारी बहनों तक ये पहुंच जाएगा, उनको भी पता चलेगा। बहुत से भाई बहन जिनको पता नहीं है कि 62 के बजाय 65 में भी रिटायरमेंट का 2013 में आदेश था, नियमावलियां थी, तो ऐसे में वो क्यों नहीं लागू कराई जा सकती, तो इन सब चीजों को लेकर के आवाज उठनी चाहिए, हमारी बहनों को न्याय मिलना चाहिए और आपके हक के लिए ऑल इंडिया बराबर मेहनत कर रहा है। आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, बहनों को जोड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों को भी करवाओ। बहुत